हे माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपना चैनल का रिव्यू स्टार्ट करें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो प्रोडक्ट आप हम रिव्यू करने वाले हैं आज, वो है वर्ल्ड फेमस। वो इतना फेमस प्रोडक्ट है पूरी वर्ल्ड में, उसके बिना हमारा मेकअप बिल्कुल अधूरा है। ये है मैक का स्ट्रोब क्रीम। ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ये आपको एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, ये वर्थ बाइंग है। ये हमारा पहला शेड है गोल्ड लाइट। ये 50 ml का पैकेज है जो कि आता है 3600 रुपीज़ का। और ये हमारा 30 ml का पैक है जो कि अब बंद हो चुका है। ये पिंक लाइट है और ये बंद हो चुका है। अब हमें इसका मिनी साइज मिलता है जो कि 15 ml 1100 में मिल जाता है। तो आए इसे ट्रेस्ट कर लेते हैं स्किन पर। ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जा रहा है। पहले तो ये मेल्ट होता है बाम के तरह, उसके बाद ये हमें ऐसा ग्लिटर देने लगता है। और इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल ईजली ग्लाइड हो गए हैं ये स्किन में। आप देख सकते हैं इसका शाइन कितना सुंदर है। ये शेड है पिंक लाइट। ये भी देखें कैसे पहले बाम की तरह मेल्ट होता है एंड उसके बाद ये ऐसा हमें शाइन देने लगता है, बिल्कुल पिंकिश शिमरी शाइन, ग्लोई लुक देता है। ये हमने आगे भी इसका स्वाच कर लिया है दोनों शेड्स। ये आप फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं और हाइलाइटर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रोब क्रीम है, बहुत अच्छा ग्लो देता है ये स्किन पर। मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है पर ये मुझे कभी क्लॉग नहीं करता है मेरे स्किन को। दूसरे हाइलाइटर्स में आपको स्मॉल पार्टिकल्स नज़र आते होंगे। अब ये देखिए, ये डे लाइट में मैंने ऐसे किया है, बिल्कुल फ्रेश लाइट में, नेचुरल लाइट में, इसमें बिल्कुल भी स्मॉल पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरह से फिनिश देता है स्किन पर। इससे आप अपनी चीक बोन्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा स्मेल भी है, पूरा मेकअप का लुक ही चेंज हो जाएगा आपका। इसमें चार शेड्स आते हैं, ये वर्ल्ड फेमस है। इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें और अब मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।